आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मेरी जगह एक मेड को देकर मेरी इंसल्ट कर दी। कोई बात नहीं, आप मुझसे बड़ी हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन मैं आपकी बहू हूं, मेरा धर्म बनता है कि मैं आपकी सेवा करूं। साथ निभाना साथिया। नीता, तुम जिगर की बाजू वाली कुर्सी पर बैठ जाओ। जी जी मैं। सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? बैठो, झिझको मत, जिगर के पास बैठ जा। कोकी आंटी, आप क्या कर रही हैं? ये जगह तो मेरी है। जो अब नीता ने ले ली। What? और क्या, देख रही हूँ कि जिगर के सारे कार्य नीता ही कर रही है। यहाँ तक कि जिगर के लिए शाम की चाय भी नीता ने ही बनाई और जिगर के लिए कपड़े भी उसी ने निकाले। यदि पत्नी पति का इतना भी कार्य ना कर सके तो किस बात की पत्नी? कोकिला, तू शुं बोले छे? मोटा भाभी, तो गलत क्या कह रही हूँ मैं? यही परिधि दावे करती है ना कि ये जिगर की पत्नी है, उसे पाकर जिगर को धन्य हो जाना चाहिए। बड़े बड़े दावे और काम कुछ नहीं। तुम बैठी बैठी क्या सुन रही हो? उठो यहाँ से। नीता बैठो। मैंने कहा खड़ी रह। बैठ जाओ, चुपचाप बैठो, और तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम इनकी बात मान रही हो ना, तो सैलरी भी इनसे ही लेना। और तुम परिधि, आज सुबह तुमने कैसे हिम्मत कर ली? मेरी गोपी वह की तुलना तुमने नौकर चाकरों से की? क्या सोचकर कि तुम्हारे ये नौकर चाकर मेरी गोपी वह का स्थान ले सकेंगे? माँ जी। नहीं गोपी वह, मुझे बोलने दो और तुम बीच में कुछ भी नहीं बोलोगी। यदि वो स्थान ले सकते हैं तो तुम्हारा स्थान भी नौकर चाकर ले सकते हैं। कोकी आंटी, आप हर कुछ समझ क्यों नहीं है? चुप। वैसे नीता में कमी क्या है? सुशील है, सबको संभाल कर रखा है सुबह से, यहाँ तक कि जिगर को भी अच्छे से संभाल रही है। यदि तुम चाहो तो मैं नीता के और भी गुण गिना सकती हूँ तुम्हें। नीता, तुमने और आप सभी ने सुबह से लेकर अभी तक हम सबका अच्छे से ख्याल रखा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर कल से आप लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कृपया इसी क्षण हमारे घर से आप प्रस्थान कीजिए। परिधि मैडम, आपके चलती नहीं है इस घर में, तो हमको बुलवाकर टाइम वेस्ट क्यों किया हमारा? परिधि, तुम्हारी बोलती ही बंद कर दी, लगता है तुमने अपनी हार मान ली। सॉरी कोकी आंटी। सॉरी का मतलब क्षमा। क्षमा याने अपनी गलती स्वीकार करना, गलती मानना याने हार मानना। सही कहा ना मैंने? तुम अपनी हार मान रही हो। सॉरी कोकी आंटी, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, हारी नहीं हूँ। आपने तो मुझे मोटिवेट किया है,
कि मैं फ्यूचर में ऐसी कोई गलती ना करूं जिससे कि आपको ऐसा कोई और मौका मिले और आप ऐसे वियर्ड आइडियाज लगा के मेरी बैंड बजाओ। तो फिर ठीक है, मेरी भी तुम्हें चुनौती है, तुम लाख प्रयत्न कर लो लेकिन मैं तुम्हें इस घर में टिकने नहीं दूंगी। गोपी बहू, मैंने भोजन कर लिया है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जी माँ जी। क्या बात है गोपी आंटी? मेरा रास्ता छोड़ो परिधि। ये क्या बात आंटी, आप तो मुझसे नाराज हो गई हैं। आज वैसे आपकी जीत हो चुकी है, फिर तो आपको खुश होना चाहिए ना, आप नाराज क्यों हैं? परी, enough is enough. मैं मालिश कर देती हूँ, उन्हें आराम आ जाएगा। कोकी आंटी, आप रिलैक्स फील कर रही है ना? कोपी वाओ, मैंने तो गलत किया, पूछो कैसे? मैंने परिधि के दास दासियों को घर से बाहर कर दिया। अब देखो ना, दास दासियों वाला काम इसे करना पड़ रहा है। केम परिधि? कोकी आंटी, आप में और मुझ में यही तो फर्क है। आपने मुझे खाना खिलाया था लेकिन मजबूरी में, लेकिन मैंने जो ये सर्वेंट्स बुलाए थे ना, सच में आपकी मदद करने के लिए बुलाए थे। पर आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मेरी जगह एक मेड को देकर मेरी इंसल्ट कर दी। कोई बात नहीं, आप मुझसे बड़ी हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मैं आपकी बहू हूं, मेरा धर्म बनता है कि मैं आपकी सेवा करूं। अपनी सास की सेवा मैं नौकरों से थोड़ी ना करवा सकती हूँ, वो तो मैं खुद करूंगी। मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। परिधि, एक बात कान खोल कर सुन लो, यदि मैंने तुम्हें खाना खिलाया तो वो मजबूरी में नहीं था बल्कि इंसानियत के नाते। और हाँ, तुम मेरी बहू नहीं हो, ये बात कभी भी मत भूलना। संभाल के जाना आंटी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।